ये है सलमान खान की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म जाने कलेक्शन। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्में 200-300 करोड़ रुपए का बिजनेस आसानी से कर लेती हैं। बात टाइगर जिंदा है 2017 की हो या फिर सुल्तान 2016 की, इन दोनों फिल्मों ने तो बढ़तोड़ कमाई कर सलमान को बॉक्स ऑफिस का बादशाह बनाया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी गिनती सलमान खान की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों में नहीं होती है। साल 2015 में रिलीज सलमान और करीना कपूर स्टारर बजरंगी भाईजान सुपरस्टार की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई है। इसने 500 से 600 नहीं बल्कि 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर डाला है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के ट्वीट के मुताबिक, महीने भर पहले चीन में रिलीज हुई बजरंगी भाईजान ने 27 दिनों में 44.11 मिलियन डॉलर यानी 287 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 913 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसकी के साथ बजरंगी भाईजान सलमान की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन गई है। बता दें, सलमान खान, करीना कपूर और हर्षाली मल्होत्रा स्टारर यह फिल्म 17 जुलाई 2015 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। बजरंगी भाईजान ने भारत में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया था। 2 मार्च 2018 को बजरंगी भाईजान चीन में लिटिल लोलिता मंकी गॉड अंकल के नाम से रिलीज हुई। इस फिल्म को चाइनीज लैंटर्न फेस्टिवल के मौके पर रिलीज किया गया।